नमस्कार दोस्तों, मैं चिंतन निशरदा ऑल फार्मिंग आइडिया का होस्ट और आपका दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें और पास में बेल बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, मैं आज आपको आम की कलम कैसे बांधना वो सिखाने जा रहा हूँ, जिसे हम अंग्रेजी में मैंगो ग्राफ्टिंग कहते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक अच्छी सी छुरी, जो कि धारदार हो, तेज हो। आप यहाँ देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह काट रही है। इसके अलावा अगर आपके पास छुरी ना हो तो आप इस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए प्लास्टिक टेप, जो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप के ऊपर मिल सकती है, क्योंकि 10 से 15 रुपए में आती है। ये सबसे बेहतरीन बांधने की चीज है मेरे नजरिए से, इसीलिए मैं इसका चुनाव कर रहा हूँ। इसके बाद चाहिए हमें किसी एक आम के पेड़ की डाली, जो कि ऐसी हो, पतली हो, जिसके हम पन्ने यहां से निकाल लेते हैं। इसे दोस्तों हम बर्ड स्टिक कहते हैं। और आखिरी पत्तों को तोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि हमारे बर्ड को नुकसान ना हो जाए, इसके लिए मैं यह छुरी का इस्तेमाल करता हूं। और दूसरा हमें चाहिए एक पौधा, जो कि तकरीबन एक साल के आसपास बड़ा हो। दोस्तों, इसके भी हम पत्ते काट लेते हैं, इसको हम रूट स्टॉक कहते हैं। दोस्तों, एक यहाँ नई डाली फूट रही है इसके अंदर, तो मैं उसको रहने देता हूँ और उसके ऊपर के भाग पे हम कलम करेंगे। दोस्तों, हमें ध्यान ये रखना है कि बर्ड स्टिक और रूट स्टॉक एक ही साइज के हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ कट करता हूँ, मैंने ये काट लिया है, थोड़ा इसको मैं अच्छी तरह सीधा कर लूँ। उसके बाद दोस्तों, हमें 6 इंच तक लंबी बर्ड स्टिक लेनी है, जिसे हम इस तरह गोलाई में अच्छी तरह काट लेंगे। फिर दोस्तों, हमें क्या करना है कि ये जो रूट स्टॉक है उसके ऊपर बीच में इस छुरी से संभल कर 1 इंच लंबा कट करना है, एकदम बीच में करना है। उसके बाद हमें बर्ड स्टिक को तिरछा छेद लगाकर वी आकार में काटना है, वो भी 1 इंच लंबा। और उसके बाद हमें इसको इसके बीच में यहाँ रख देना है और फिर इस टेप की मदद से हमें इसे मजबूती से बांध लेना है। और जितना भाग है हमारा यहाँ पे उसके आसपास पूरी तरह इसे लपेट कर बांधना है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इस बर्ड स्टिक पे नई नई पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और फिर ये पौधा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, मैं ये टेप अच्छी क्यों कहता हूँ कि हमें ये खींचनी हो तो थोड़ी खींच भी सकते हैं, तो ये लंबी हो सकती है। और ये जो कलम करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर पानी गिरे, कुछ भी हो, तो यहाँ फंगस लग सकती है, तो उससे भी ये ग्राफ्टिंग की हुई भाग को रक्षण देती है। दोस्तों, ये काम पूरा होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें ग्राफ्टिंग करने समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ हमने ग्राफ्टिंग पूरी कर दी,
तो अब दूसरी बातें मैं आपको बता दूं, जो चीजें हमें यूज करनी है वो नई हो और धारदार हो। दूसरी बात कि हमें पौधे का कटाव जो है जमीन से 1 से 1.5 फीट तक ऊंचा रखना है, फिर जहां सीधी धूप ना आती हो वैसी जगह पे हमें पौधा रखना है। मैंने तो ये पौधा यहीं उगाया था इसीलिए मैंने यहाँ ही ग्राफ्टिंग कर दी, अब ये यहाँ ही बढ़ेगा और ये नया पेड़ बनेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आप हमारे नए वीडियो के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें। आपका धन्यवाद।